भोपाल में 7 कांग्रेस नेताओं की पीसी, नहीं पहुंचे कमलनाथ। सांसद विवेक तन्खा बोले, देश में तानाशाही, मैं ऐसे प्रजातंत्र में नहीं रहना चाहता। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मध्य प्रदेश में बुधवार को 7 दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने चुनाव घोषणा पत्र को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सांसद विवेक तन्खा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया और विभा पटेल शामिल थी। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान ये पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा, देश में मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, ये तानाशाही है, मैं ऐसे प्रजातंत्र में नहीं रहना चाहता। कश्मीर के लोगों की बात करते हो तो वहां चुनाव तो कराओ, देश का पार्लियामेंट लगभग नहीं चल रहा है, चलता भी है तो भी जिस प्रकार से कानून बनते हैं वो प्रजातांत्रिक नहीं है, पार्लियामेंट वन साइड में चलता है, इसको मैं प्रजातांत्रिक नहीं मानता और मैं इस तरह की व्यवस्थाओं में रहना नहीं चाहता। मैंने बात देश के उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर बताई है। उन्होंने कहा था कि तन्खा जी, मैंने नहीं सोचा आप अपनी पार्टी के लीडर के साथ वेल में आ जाएंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, हमें इस बात का दुख है और हम आश्चर्यचकित भी हैं कि क्या कारण है कि जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हो पा रही है। सामान्य तौर पर 10 वर्ष में जनगणना होती है लेकिन 2021 में होने वाली जनगणना नहीं हो पाई। जब तक जातिगत की जनगणना के आंकड़े सामने नहीं आएंगे पता नहीं लगेगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने कॉम्प्लीमेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान खत्म कर दिया है। आजकल भाजपा की रैली में जितना खर्च किया जाता है उतने हित के लिए खर्च नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, SC ST और सर्वहारा वर्ग बैकलॉग के पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। बीजेपी घोषणा पत्र में तो लाती है मगर कुछ करती नहीं। अमित शाह मांडला और शहडोल के दौरे पर आए थे। उन्होंने आदिवासी अधिकार की बात कही लेकिन कई सालों से जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाइयों के पास अधिकार नहीं है। कांग्रेस वन अधिकार अधिनियम के लिए कानून स्थापित करेगी। कांग्रेस की सरकार आने पर छात्रवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। बैकलॉग के पदों पर भर्ती 1 साल के अंदर की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।